दूसरे प्रश्न की तरफ चलते हैं हम लोग। आंकिक प्रश्न नहीं बनाएंगे, सॉलिड स्टेट में सिंपल फॉर्मूला निकालने वाला ही। तो दूसरा एक प्रश्न देखते हैं, एक अगला क्वेश्चन। थंबनेल में मैंने आपको क्वेश्चन का उसका पिक्चर फोटो दे दिया है, फिर भी उसे एक बार सुनिएगा ध्यान से। क्वेश्चन जो अगला है, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए सॉलिड हुज क्यूबिक यूनिट सेल हैज द एटम ए एट ईच कॉर्नर, द एटम बी एट ईच फेस सेंटर एंड एटम सी एट द बॉडी सेंटर एंड वन एटम एंड ए ए सी एटम एट द बॉडी सेंटर। इस प्रश्न में आपको दिया हुआ है कि उस सॉलिड का, उस क्यूबिक सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला आपको निकालना है, उस क्यूबिक सॉलिड का सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है जिसके प्रत्येक कॉर्नर पर ए नाम का परमाणु है और उसके प्रत्येक फेस सेंटर पर बी नाम का परमाणु है, साथ ही उस यूनिट सेल के बॉडी सेंटर पर सी नामक एक परमाणु है। तो ऐसे यूनिट सेल का आपको सिंपलेस्ट फॉर्मूला निकालना है जिसके एट कॉर्नर पर एट एटम्स हैं ए नाम का, सिक्स फेस सेंटर पर सिक्स एटम्स हैं बी नाम का और एक बॉडी सेंटर पर एक एटम है सी नाम का। अगर इस प्रश्न को बनाएं तो आप देखिएगा कहा क्या जा रहा है आपसे, कहा क्या जा रहा है कि ध्यान देंगे, जितने कॉर्नर हैं वहां ए है, आरसी मुखर्जी का प्रॉब्लम दिया हुआ है, आरसी मुखर्जी का है। कॉर्नर पर एट ए एटम, एट द फेस सेंटर बी एटम है, एट द फेस सेंटर होता है सिक्स, उस पर बी एटम है, फेस सेंटर पर बी है, पीछे वाले फेस के सेंटर पर भी एक बी। यही नहीं, इस कहा जा रहा है कि इसके बॉडी सेंटर पर सी नाम का एक, बॉडी सेंटर पर सी नाम का एक एटम है। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा, इसका, इस यूनिट सेल का सिंपलेस्ट फॉर्मूला क्या होगा? तो टोटल एटम्स एट कॉर्नर आठ है और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/8, तो वो आ गया एक, और ये कौन है, ए है। फिर देखिएगा टोटल एटम्स एट फेस सेंटर तो ये सिक्स है और इनका कंट्रीब्यूशन होता है 1/2, फेस सेंटर होता है 6, इनका कंट्रीब्यूशन 1/2, इस तरह से इनकी संख्या आएगी 3 और 3 कौन है, बी है, बी नामक एटम 3 आ रहा है। इसके बाद टोटल एटम्स एट बॉडी सेंटर पर एक ही होता है और उसका कंट्रीब्यूशन होल पूरा का पूरा उसी यूनिट सेल का होकर रह जाता है, तो ये एक है, एक जानते हैं कौन, सी। देयरफोर द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ गिवन यूनिट सेल इज ए, ए एक, बी तीन, ए बी थ्री, सी। इसका जो फॉर्मूला आएगा वो ए बी थ्री सी आएगा। ये
दिए गए प्रश्न का फॉर्मूला ए बी थ्री सी आएगा। क्वेश्चन जब तक आप इसे बनाते हैं मैं एक बार दोबारा पढ़ दे रहा हूं। देखिए क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन आपसे पूछा गया है व्हाट इज द, इसे बनाएंगे, व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्मूला ऑफ ए सॉलिड हुज क्यूबिक यूनिट सेल हैज द एटम ए एट ईच कॉर्नर, द एटम बी एट ईच फेस सेंटर एंड ए सी एटम एट द बॉडी सेंटर। सी एटम बॉडी सेंटर पर, बी नाम का एटम जो है वो सिक्स फेस सेंटर पर, और ए नाम का जो एटम है वो एट कॉर्नर पर। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्मूला पूछा गया जो कि ए बी थ्री सी आएगा। कैसे आएगा, तो कॉर्नर पर का एटम्स की संख्या ए की संख्या एक आ रही है, फेस सेंटर पर एटम्स बी की संख्या तीन आ रही है, और बॉडी सेंटर पर एटम सी की संख्या एक आ रही है। तो इसे आप बना लेंगे या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या फिर इसे बना लेते हैं या स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। मैं इसे यूं ही छोड़ दे रहा हूँ, लेकिन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस तरह का और भी क्वेश्चन अगर मिलता है तो मैं आपको बनवाऊंगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर इसे उतार लेंगे, बना लेते हैं। क्वेश्चन मैंने दो बार आपके लिए पढ़ दिया।